गिरफ्तार किया है। स्कॉर्पियो में सवार तीन आरोपी गिरफ्तार। तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। स्कॉर्पियो में सवार ये तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। क्राइम ब्रांच टीम ने सभी को गिरफ्तार किया है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले से जुड़ी आपको खबर बता रहे हैं, जहां तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और इसी खबर पर लखीमपुर से हमारे संवाददाता आमिर रजा जुड़ गए हैं। आमिर, तीन और आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, इनकी भूमिका क्या है? जी, आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार इस मामले में एसआईटी गिरफ्तार कर रही है लोगों को, और जो ये आज जो गिरफ्तार किए गए हैं, ये वो वाली गाड़ी थी जो तीसरी गाड़ी पहले आगे थार थी, उसके बाद जो फॉर्चूनर थी, उसके बाद जो तीसरी गाड़ी स्कॉर्पियो थी, उस गाड़ी में ये लोग सवार थे। इसमें मोहित त्रिवेदी, महेंद्र सिंह होगा, रिंकू राणा, ये तीन लोगों को आज गिरफ्तार किया गया। इससे पहले जो इसमें जो ड्राइवर था उसको पहले गिरफ्तार किया गया था गाड़ी के साथ में। कहीं ना कहीं जो उस टीम को, वो जो घटनास्थल पर ये लोग जो लोग शामिल थे, उसको लगातार एसआईटी गिरफ्तार कर रही है। उसी कड़ी में ये तीन गिरफ्तारियां की गई है। आमिर, इन तीनों का बैकग्राउंड क्या है, इनसे इनका क्या नाता है आशीष मिश्रा से या फिर अंकित दास से, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी, आपको बता दें कि ये जो तीन लोग आज, चार लोग गिरफ्तार किए गए हैं, तीन आज और इससे पहले एक जो ड्राइवर गिरफ्तार किया गया था, ये वही ड्राइवर है जो जिस गांव में अजय मिश्र टेनी जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है उनका जो गांव है उसी गांव में रहता है। और इसके अलावा जो ये स्कॉर्पियो गाड़ी है, ये भी जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है उनके रिश्तेदार की गाड़ी है। जो आज गिरफ्तार किए गए हैं, ये सभी लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, और कहीं ना कहीं जो अजय मिश्र टेनी है इनके परिवार इनके रिलेटेड है, क्योंकि जो लोग बताते हैं कि उस वक्त घटना के टाइम आए थे, वो सभी वो लोग थे जो या तो मोनू के बहुत खास है, जो आशीष मिश्रा मोनू है, या फिर टेनी के बहुत खास है। तो कहीं ना कहीं जो इस वक्त गिरफ्तारियां हो रही है, वो खास लोगों की गिरफ्तारियां हो रही है। और एसआईटी टीम जिस तरीके से लगातार लोगों से पूछताछ कर रही है, तो आज जो उम्मीद है कि चार लोग जो पहले जो गिरफ्तार किए गए थे उनको रिमांड पर लिया था, और चार लोग जो कल गिरफ्तार हुए उनको रिमांड पर लिया, अब इन लोगों के साथ में सबको साथ में बिठाकर एसआईटी पूछताछ करेगी। पिता और पुत्र के खास बताए जा रहे हैं तीनों। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर इस खबर से जुड़ने के लिए। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले से जुड़ी खबर आपको बता रहे, तीन और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। और सिबी शाह को सीधे 12